हमारा कौमी तराना जो कि एक बहुत ही खूबसूरत धुन है, वो दुनिया भर की 3 खूबसूरत धुनें जो सेलेक्ट हुई हैं उनमें 3रे नंबर पर है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में रवा दवा होंगे। अच्छा जी, मुझे अलीज़ा चौधरी कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। आजकल जैसे कि अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और अब क्या है कि ये जो अगस्त का महीना है इसमें हमारे अंदर की जो एक पेट्रियाटिक स्पिरिट है वो बहुत कहना चाहिए जोश से जागती है और हम लोग बहुत ज़्यादा मुहिब्बुल वतन हुए होते हैं। अब क्या है कि ये जो जोश है, ये जो एक स्पिरिट है, वैसे तो ये पूरा साल रहनी चाहिए लेकिन है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ये एक मंथ ही ऐसा है 14 अगस्त, जैसे कि हर बच्चा जानता है जो कि पाकिस्तान में रहता है, जो कि पाकिस्तान का शहरी है, वो ये जानता है कि ये एक ऐसा महीना है, ये एक ऐसी तारीख है 14 अगस्त की जिसमें हमारा पाकिस्तान बना, हम आज़ाद हुए और कहना चाहिए कि हम बहसियत एक अलग कौम, हमारे पास एक अपना मुल्क आया जो कि हमारी आइडेंटिटी है। अच्छा जी, आज कुछ ऐसी चीज़ें इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि काफ़ी अमेजिंग लगी मुझे पाकिस्तान के बारे में। यूजुअली हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है इर्द गिर्द की, दुनिया भर की चीज़ों के बारे में, लेकिन अपने ही मुल्क के बारे में जब बात करने का मौका आता है तो बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों का पता होता है जो बस आम सी चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सो शायद जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ वो आप लोग ऑलरेडी जानते हों, लेकिन मेरे लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। सो सबसे पहले आपको ये बताते चलें व्यूअर्स के पाकिस्तान का लिटरेसी रेट पिछले 5 सालों में 25% बढ़ा है, जो कि किसी भी और मुल्क में इस तादाद से, इस रेशो से नहीं बढ़ा, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो दुनिया भर की जितनी भी आर्मी फोर्सेस हैं उनमें 6th नंबर पर है। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसी कहना चाहिए कि फ़ोर्स है जो कि दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ोर्स समझी जाती है। पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे छोटा बाबर इकबाल एक ऐसा बच्चा है जो कि दुनिया भर का, पाकिस्तान से ये एक ऐसा बच्चा है जो कि दुनिया भर का सबसे छोटा माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड है। ये कितनी बड़ी बात है, कितने फ़ख्र की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा जी, आपको ये बताते चलें और ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सियालकोट में रहने वाला बच्चा जानता होगा, लेकिन खैर शायद कुछ लोग ना जानते हों, दुनिया भर में स्पोर्ट्स का सामान सियालकोट से जाता है और फुटबॉल्स जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका 50% पाकिस्तान के शहर सियालकोट से जाता है। है ना अमेजिंग बात? जी, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। आपको ये बताते चलें हमारा कौमी तराना जो कि एक बहुत ही खूबसूरत धुन है, वो दुनिया भर की 3 खूबसूरत धुनें जो सेलेक्ट हुई हैं उनमें 3रे नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। दुनिया भर की वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट गवादर में है जो कि पाकिस्तान में है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सुनकर पढ़कर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जैसे हमने पहले आर्मी फोर्सेस की बात की, दुनिया भर में जो कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड एयरफोर्स पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। ये भी एक बहुत बड़ी, बहुत फ़ख्र की और बहुत खुश होने वाली बात है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ की आर्मी फोर्स तो 6ठे नंबर पे है दुनिया भर में, लेकिन साथ साथ हमारे पास एयर फोर्स के वेल ट्रेंड पायलट्स भी मौजूद हैं। अच्छा जी, आपको ये बताते चलें कि हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं तो साथ हम एशिया की बात भी करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड जो है वो कोयटा में मौजूद है, सबसे बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कोयटा में मौजूद है। अब अगर हम ये बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क जो है वो ईदी एम्बुलेंस नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तान से रिलेट करने वाले एक ऐसे इंसान हैं जो अब हमें मौजूद नहीं है, ईदी साहब को पूरी दुनिया जानती है और हमारा फ़ख्र रहे हैं, रहेंगे हमेशा जब तक कि ये कहना चाहिए कि ये मुल्क रहेगा और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। जी, अब बात करते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, जिनको कौन नहीं जानता, लेजेंड ऑफ द सेंचुरी का खिताब उन्हें मिला
और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान के शहरी रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए तो कहना चाहिए कि था का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आर्ट से, अपने फ़न से हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं कि अगर मैं बात करने लग जाऊँगी या करती चली जाऊँगी तो मेरा ख़्याल है कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक ऐसे फॉरेस्ट के बारे में जो कि हाथ से लगाया गया है, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कुदरती नहीं है, जिसे इंसान ने ख़ुद बनाया है, और हम बात कर रहे हैं चंगामांगा के बारे में, जो कि दुनिया भर में एक ऐसा जंगल है जो कि इंसान ने ख़ुद अपने हाथों से लगाया है। सो ये पाकिस्तान की कुछ खासियत कहना चाहिए कि कुछ खसूसियात हैं, खासियत तो नहीं है और इतनी खसूसियात हैं कि अगर हम बात करने चलें, जैसे मैंने पहले कहा, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान के बारे में ऐसी कुछ अमेजिंग चीज़ें पढ़कर, सुनकर और आप लोगों के साथ शेयर करके। आपके पास अगर पाकिस्तान के बारे में कोई बहुत ही ख़ास ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो, सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। अभी की इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरे चैनल अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 14 अगस्त का दिन आने वाला है, आप लोगों ने इसे भरपूर तरीके से मनाना है, लेकिन एक नए अज़्म के साथ कि एटलीस्ट आपकी शख्सियत, आपकी जो एक ज़ात है, उससे पाकिस्तान को कोई ना कोई नफ़ा ज़रूर हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।